नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कालवी गांव पहुंचे, लोकेंद्र सिंह कालवी को वहां श्रद्धांजलि अर्पित करने और साथ ही जो पाक दस्तूर का कार्यक्रम वहां पर रखा गया था उसमें शामिल होने के लिए। सबसे बड़ी बात है, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे थे और बड़े बड़े दिग्गज नेता, सामाजिक नेता हो चाहे राजनीतिक नेता हो, और सर्व समाज के नेता वहाँ पर पहुँचे थे। आप ये देख सकते हैं, विजय बैंसला हैं और राजेंद्र राठौड़ के साथ में सतीश पूनिया भी थे जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। कल ही बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं राजाराम मील हैं जो कि जाट महासभा अध्यक्ष हैं। तो सर्व समाज के लोग वहां पर पहुंचे हैं और राजेंद्र राठौड़ ने वहां पहुंचकर अपने स्पीच में भी लोकेंद्र सिंह कालवी और उनके जीवन को लेकर, समाज सेवा को लेकर बहुत सारी बातें कही और वहां पर उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी। साथ ही जो कालवी परिवार की दो पिछली पीढ़ियां हैं जिन्होंने समाज सेवा, राजनीतिक सेवा से लेकर जिस तरीके से जो मुकाम हासिल किया और समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे, कहीं ना कहीं उसको श्रद्धांजलि देने के लिए बड़े बड़े दिग्गज नेता, राजपूत समाज के नेता तो वहाँ पर पहुँचे ही पहुँचे थे और हज़ारों की संख्या में युवा पहुँचे थे, सर्व समाज के लोग भी वहाँ पर पहुँचे थे। और राजेंद्र राठौड़ जो कि उपनेता प्रतिपक्ष हैं और जिस तरीके से वहाँ पर सभी लोगों ने पहुंचकर और एक बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे थे, हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँची थी। साथ में आप क्षत्रिय राजेंद्र नरोका को भी देख सकते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम मात्र पाक दस्तूर का कार्यक्रम ना होकर एक महानायक को महाविदाई के रूप में भी इसको प्रचार प्रसार किया गया था और सभी लोगों ने आज के दिन कालवी पहुंचने का आह्वान किया था और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे भी आज कालवी। और लोकेंद्र सिंह कालवी जो कि करणी सेना के संस्थापक रहे हैं, उनको एक महाविदाई, एक महाश्रद्धांजलि के रूप में लोग नमन करने के लिए बड़ी संख्या में नागौर के कालवी गांव में पहुंचे। और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जिसने पूरे जीवन भर समाज के लिए इतना कुछ किया, उसके लिए एक दिन इतने लोगों ने निकाला और उनके बड़े पुत्र भवानी सिंह को उनकी पगड़ी यानी कि पाक दस्तूर होता है वो पहनाई गई। बाकी की न्यूज़ अपडेट के लिए लगातार चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।